गोरखपूर जंक्शनचा सगळ्यात मोठा प्लॅटफॉर्म, जगातला सगळ्यात जगातला दोन नंबरचा सगळ्यात मोठा प्लॅटफॉर्म आहे इकडे. 1.3 किलोमीटरचा प्लॅटफॉर्म आहे इथे. सो तो जगातला दोन नंबरचा सगळ्यात मोठा सगळ्यात लांब प्लॅटफॉर्म आहे हा. तो आता आपण आतमध्ये चाललो आहे, इथे लोक खूप वेगळ्या नजरेने बघतात आहेत. तो आता आपण आतमध्ये चाललो आहे फ्रेश होण्यासाठी. त्याच्यानंतर आपण मग पुढची आपली जर्नी स्टार्ट करूया. आता आम्ही गोरखपूर स्टेशनच्या बाहेर निघालो आहे आणि आता आम्ही चाललो आहे गीता प्रेसला. गीता प्रेस इथून 3.5 किलोमीटरवर आहे. सो तिथे आपण चाललो आहे आणि मी तिथे गेलं तुम्हाला सांगते की नक्की काय आहे तिथे चाललो होतो. आणि अशी ऑटो आहे. आम्हाला चाय आणि पण बस्ता आणले आमच्यासाठी खास तिकडचा असते जो चाय चांगला आहे. थँक्यू बाई. क्या का सुद्धा फेमस आहे की गाईज. आपण गीता प्रेस गोरखपूरला आता आलेलो आहोत आणि जगातील सगळ्यात मोठं धार्मिक ग्रंथांचं बुक पब्लिशर आहे इकडे. खूप म्हणजे खूप मोठं आहे बघा तुम्ही. सर्व बुक्सचे शॉप आहे. हे बघा रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद भागवत गीता, महापुराण, पुराण, महाभारत, उपनिषद. सो आप यहाँ पे काम करते हो क्या जी? तो बताओ थोड़ा इसके बारे में, हिस्ट्री क्या है आगे. किस विषय में हिस्ट्री जानना चाहते हैं? मतलब ये कितने साल हो गए इसको? इसको 100 साल पूरा हो गया. अच्छा. और कितने लैंग्वेजेस में यहाँ पे मतलब प्रिंट होता है? यहाँ कम से कम 15-16 लैंग्वेज. 15-16 लैंग्वेजेस. अच्छा. तो सब यही पे प्रिंट होता है ना सामने? ये समोर सब प्रिंट होता है. बाकी जो है हर जगह जाती है, हमारी ब्रांच है अन्य शहरों में. अच्छा. और वहाँ से फिर अलग जो है जाता है. अच्छा. और स्टार्टिंग क्या है, मतलब बुक के स्टार्टिंग प्राइस क्या है, कितने रुपए से स्टार्ट है? हमारे यहाँ तो 1 रुपए से गीता मिलती है. अच्छा. 1 रुपए से गीता मिलती है. 1 रुपए से गीता मिलती है. बाकी जो है महाभारत का सेट मिल जाएगा हमारे यहाँ 2750 रुपए का. अच्छा. और जो कि 6 खंडों में आएगा. अच्छा. और वेद मिलते हैं क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, वेद नहीं चलता. अभी है कल्याण का विशेषांक निकला है, उसमें वेद कथांक है, वेदों के बारे में उल्लेख किया गया है. अच्छा. बाकी वैसे और उपनिषद है ना? हाँ, उपनिषद ग्रह मिल जाएंगे. शिव चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये सब है. अच्छा. ओके. सभी पुराण मिल जाएंगे, उपनिषद मिल जाएंगे. हाँ. अच्छा. आपका नाम क्या है? अंगद उपाध्याय. अंगद उपाध्याय. अच्छा. आप ब्राह्मण हो क्या? जी. अच्छा. यहाँ पे ही रहते हो आप? हाँ जी. हाँ. अच्छा. थैंक यू सो मच जी. राम राम. आपका नाम क्या है? अमित. तो आप थोड़ा मुझे बताओ ना इसके बारे में, कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे, कैसे होता है डेली? 300 के करीब लोग काम करते हैं. हाँ. और हमारा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है. हाँ. सभी कर्मचारी अपने नियत समय से आते हैं और नियत समय से जाते हैं. जितना उनसे हो सकता है भगवान के प्रति श्रद्धा के भाव से यहाँ पे काम करते हैं. हाँ. कुछ हमारे सहयोगी लोग हैं जो कि एक मतलब सनातन धर्म के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमसे मतलब 20 साल से ज़्यादा समय से सब मतलब प्रेस के लिए सहयोग कर रहे हैं. और कितने लैंग्वेज में यहाँ पे प्रिंट होते हैं? 15 भाषा से अधिक. 15. अच्छा. लैंग्वेज में हम लोग प्रिंट अभी कर रहे हैं और इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि कितना और हो सकता है. अच्छा. और कितना साल हुआ है? 100 साल हुए ना पूरे? हाँ, 1923 में इस्टेब्लिश हुआ था. नेक्स्ट ईयर मतलब कम्प्लीट हुआ. अच्छा. ओके. तो अभी आप साल भर पूरा मतलब सेलिब्रेट कर रहे हो? सेलिब्रेशन चल रहा है. इस टाइम में हम लोग राम कथा का आयोजन यहाँ पे हुआ है. जितने भी श्रद्धालु जन हैं वो आते हैं, राम कथा शाम को सुनते हैं. इसके पहले भी हुआ था. अच्छा. हर शाम को होता है? मैंने हर शाम को होता है. 10 दिन पहले भी हुआ था, फिर नए सिरे से फिर से भी हो रहा है. अच्छा. ओके. और फिर आप मतलब टाइमिंग होता है कि अपने अपने मतलब टाइम है 7 to 9? अच्छा. ओके. 7 to 9 टाइमिंग शाम को.
आपका नाम क्या बोले आप? अमित। अमित, थैंक यू सो मच। थैंक यू। से अलग है, प्रार्थना अभी है और जितनी ब्रांच हमारी हैं ये सब इसमें है और छोटे मोटे जो है पंचांग इसमें मिल जाएंगे। अच्छा। जो आसानी से देख सकें और अपना यहाँ से है, इसमें गीता भी पूरी मिल जाएगी आपको। अच्छा। ये श्लोक है और ये नीचे अर्थ है। ओके ठीक है, ये दो दो दे देना। ये ज़्यादा लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। हाँ, इससे मतलब आपको पंडित की जरूरत नहीं है ना, किसी पंडित से कुछ नहीं जरूरत है, टोटल पंचांग है इसमें। अच्छा। हाँ, जिस डेट का अभी जो भी डेट हो। हाँ। रविवार है। हाँ। जून 4 है। हाँ। तो इसमें क्या है, ज्येष्ठ शुक्ल है, 15वां है, कितने बजे सब है, सूर्य सब कितने बजे लगेगा, क्या है। हाँ। जैसे आपको माघ मेले का देखना हो तो जनवरी में कब लगेगा वो बता देगा मौनी महोत्सव। इसमें छोटा नहीं है? नहीं, छोटा नहीं। ओके। कितने रुपए में? 1 रुपए में। हाँ। और पहले कितने में मिलती थी? पहले 50 पैसे में मिलते थे। अच्छा। हाँ। तो गाइस बगा तुम बोल सकते हैं गीता है। हाँ। तो इसको क्या करते हैं? इसको लोग जो है जंत्री के काम में लेते हैं। हाँ। इसको मोड़ करके फोल्ड कर करके। हाँ। और जंत्री बना के पहनते हैं। अच्छा, ताइज ताइज बना के। ताइज बना के। हाँ। अच्छा, ये भी दे दो मुझे, बस दे देना। रियल जो है से अपने क्या क्या है। हाँ, रियल ऐसे जो लाल है तो गुलाब का रंग से रंगा गया है। ओह। पीला है तो कंडे के रंग से रंगा गया। ओह। हाँ, 3-4 साल पुराने हैं। हाँ, और कुछ ऐसे हैं जो अपना ये केमिकल वाला कलर है उससे। हाँ। केमिकल वाला तो जो है अब डिफेक्ट हो रहा है। हाँ। हल्का पड़ रहा है, लेकिन वो वाला जो रियल है अभी तक वो ऐसे। वहाँ जाएंगे साधक जी, ये बताएंगे उसके बारे में क्या है। एवढे बुक्स घेतलेत माझ्यासाठी आणि फ्रेंड्स लोकांसाठी माझ्या इथून। तो आता ते आतमध्ये मंदिरामध्ये चाललो आहे, आतमध्ये मंदिरामध्ये चाललो आहे आम्ही आणि त्याच्यानंतर मग इकडे मी विनंती करते। बुक्स भेटतात आता इथे, आपण जाऊन आलो आणि इथे सर्व बुक्सचे प्रिंट होतात। सो आता इथे आम्ही आतमध्ये चाललो आहे गीता मुद्रणालयमध्ये आणि चलो बघूयात आतमध्ये। खूप मस्त वाटतं आहे, खूप स्पिरिच्युअल वाईब्स येतात आहेत। कृष्ण कृष्ण राम राम, स्पिरिच्युअल वाईब येते आहे आतमध्ये। गीता द्वार, आपले राष्ट्रपती आहेत रामनाथ कोविंद, हे गेल्या वर्षी आलेले इथे उद्घाटन करण्यासाठी। आणि वाव, किती मोठं चित्र मंदिर आहे, मानसचित्र मंदिर।
संत कबीर यांचे दोहे लिहिलेत वाटतं वरती. खतरनाक. जय श्रीराम. कृष्ण लीला. शिवशक्ती. गीता प्रेसची प्रथम छपाई मशीन आहे. तिथून सुरुवात झालेली त्यांची. बघू शकता. वाव. त्यांना कलर दिला वाटतं परत नवीन. महाभारत. श्रीमद भगवद्गीता अंग्रेजी आणि संस्कृत मध्ये. गाईज जर तुम्ही कधी गोरखपूरमध्ये आला तर नक्की इथे व्हिजिट करा. खूप म्हणजे खूप भारी आहे हे जे काही आहे ते. आणि खूप स्पिरिच्युअल वाईब्स आहे तिकडे. तुम्ही बघू शकता. खूप म्हणजे खूप मस्त आहे. आणि हे सर्व हाताने बनवलेलं आहे. तर नक्की गोरखपूरला जर आले तर नक्की इकडे व्हिजिट करा गीता प्रेसमध्ये. आमचं पण यायचं काय नक्की नव्हतं पण आम्ही आलो. हे बघा काम किती काटेकोरपणे केलेलं आहे. आपके स्टार्टिंग प्रेस ये आपको 1923 में लाए थे. आपने यहाँ कहीं अमेरिका से लाए थे. इनकी विशेषता ये होता है आपको भगवान ज़्यादा धन दौलत दे दें तो ज़्यादा पूजा के धंधा मत के छोटे पूजी धंधा करिए. जब गीता प्रेस लगाया गया तो इतनी छोटे मशीन से कारोबार चालू किया गया तो पूछते कि इतने छोटे मशीन से होगा क्या. सेठ जी यही बोले गए भैया इनकी भगवान की कृपा होगा तो इससे बहुत बड़ा सा काम बन सकता. उनकी कृपा नहीं होती इतना ही पहले. मान लिया ज़्यादा धन दौड़ लगा धंधा करिए है. धंधा नहीं चले तो कल सड़क पर आ गए. छोटा पूजी धंधा करिए चल गया तो बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं. नहीं चले तो लाइफ बन गए. इस उद्देश्य से लगाए आज यही मशीन का दिन एक गीता पे पूरे वर्ल्ड में. या मशीनपासून प्रिंटिंगला सुरुवात झाली आणि पूर्ण वर्ल्ड फेमस झाली गोरखपूर गीता प्रेस. तर तेच त्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती देतात. आप उसके बारे में हाँ उसमें आप लिखा 2007 शुरू होगा. पहले भैया एक मिनट पहले आप लोग देख लीजिए तब फोटो लीजिएगा. फोटो लेना था अभी हम बताएंगे. दिख रहा है आपको? दिख रहा है एकदम बारीक अक्षर है. हाँ इसमें 2007 शुरू होगा. कितना 1800 18 अध्याय 18 अध्याय. अच्छा एक मिनट ठहरिए आप.
फोटो लेंगे ना आप? आँख से नहीं देख पा रहे हैं तो बिना लिखा कैसे होगा? इनका विशेषता ये होता है जो लाइन होगा एकदम सीरियल नंबर होगा, इतने भी चैप्टर में आप कहीं कट नहीं देखेंगे, यही विशेषता है। और सज्जा पर नाम भी नहीं दिया, गुप्त दान दिए। आज इंसान कोई छोटा सा काम करता पहले कहता हमारा नाम लिख दीजिए, हमारा प्रचार कर दीजिए, हमारा ये कर दीजिए, ये सज्जा पर नाम नहीं दिया, गुप्त दान। उनको आप देखेंगे आपका ब्रह्मा ध्यान में जो संस्कृत में 100 रोगी लिखे हैं, 27/11/1933 को लिखे थे। इनको भी आप देखें, स्वर्ण स्याही से बनाया गया, स्वर्ण अक्षर से दर्शाया गया, चमक रहे ना, सोने के स्याही बना के लिखा गया। यही गीत आपका यहाँ से स्टार्टिंग किया गया है। हाँ देखिए, पहला अध्याय है धर्म छत्र तुलसीपन देता ऐसे माम का पांडव की मुक्त संजय, पहला श्लोक होगा। अब एक अध्याय में 47 श्लोक ऐसे जोड़िए आपको 718 अध्याय में 7 श्लोक होंगे, यहाँ पर पूरा होगा। गीता का मेन निचोड़ यही होता है कि आप देखेंगे पहला अक्षर ध बनेगा आपका और लास्ट में म बनेगा, दोनों अक्षर ज्वाइंट करिए बन गए धर्म, धर्म का ही विजय है, यही गीता के निचोड़ है। अब थोड़ा आगे बढ़ें कि बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, सब बुरा मत समझिएगा, इसमें जो आप लोग उपस्थित हुए आए हुए हैं ये समझिए भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। जब भगवान की कृपा होता तो इंसान बड़ा सा काम आसानी से कर लेता है, अगर उनकी कृपा न होगी तो इंसान अपने आप को पलट जाना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए आए हुए तो समझे भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। जब महाभारत चालू हुआ तो अर्जुन कृष्ण बोले बोले दोनों साथियों के बीच में चले चलिए, कृष्ण लेकर पहुँचते तो अर्जुन देखते पता इस सब हमारे सभी संबंध में किस पर मान छोड़ू, कृष्ण कहते हैं अर्जुन करने वाला मैं हूँ, अब माध्यम जो आपका कर्म है उसको करिए। हर इंसान को अपना कर्म करने के देने वाला तो हमसे जो आपसे वार्ता चली इस सब प्रभु कृपा भी है, कुछ नहीं है। एकदम सही बोल रहे हो आप, एकदम सही, एकदम सही। कौन भगवान होंगे ऐसे? हाँ ऐसे इधर उधर हो देखिए आप, कौन भगवान? कृष्ण। कृष्ण जी हाँ हाँ, सामने नजदीकी से आगे 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 जाइए। हाँ हाँ विष्णु। अरे वाह, आप तो यहाँ जाइए। राम जी हाँ। अरे वाह, 90 साल पहले का थ्री है जो हाथ से सेट किया गया, बहुत अच्छा। इस फ्रेम के अंदर भगवान श्री रामचंद्र के फिगर खोल कर देखिए इसमें कहाँ पर है, कैसे है। हाँ देखो यहाँ से उनका धनुष कंधे पर, एक हाथ धनुष कहाँ हुआ? धनुष धनुष नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ हाँ देखो ये धनुष डोरी लगती है, डोरी कहाँ होगा? ये वो तो गले का माला होगा, डोरी कहाँ पे है बताओ? आप खोजिए तब ना, हम तो बता ही देंगे आपको, पहले आप खोज लीजिए। नहीं दिख रही है मुझे। मैं बताऊं? हाँ बताओ। उनका हाथ के लिए अगर ये हाथ कहाँ है? हाथ एक यहाँ पे। हाँ। हाथ में पकड़े कुछ है? हाँ हाँ हाँ। धनुष है हाँ। इसमें देखिए सफेद की डोरी होगी। हाँ बहुत एकदम लाइट कलर में, एकदम आई थिंक जब तक दिखना नहीं पका दिखतेगा तुम्हाला। बता सकते किसका फ्लावर होगा? किसका फ्लावर होगा? आमने सामने वार्ता कर रहे हैं, ये लोग साइड से वार्ता कर रहे हैं। जब मैं आपसे सामने आमने सामने वार्ता करूँ तो हमारी दोनों आंखें आप करें, साइड से वार्ता करूँ तो हमारी एक आंखें आप करें, साइड से वार्ता करें। बाप रे चारों कोने पर लगाए गए, 90 साल पहले का थ्री डी। इस समय जो आपको हमको देखने को मिला कम प्राइज है, लेकिन अब सेट किया गया है, 90 साल पहले का सेट कर दिया गया है। अगर समय प्राप्त है तो देख लीजिए दो ठीक रहो, नहीं समय तो भैया जैसी आपकी इच्छा हो। तिकडून निघालो, त्यांनी खूप चांगली इन्फॉर्मेशन दिली आम्हाला। ॲक्च्युली आम्हाला खूप वेळ थांबायचं होतं पण एवढा वेळ नाही आपल्याकडे, आपल्याला
लवकर निघायचं आणि आमचा ऑटोवाला पण वेट करतो आहे आमचा. सो लवकरच लवकर निघायला लागेल इकडून. पण खूप मस्त वाटलं, तुम्हाला पण खरंच खूप आवडेल आणि मी नक्की परत इथे येणार आहे खरंच. 85 1 12 57 4. सो आता आम्ही बस स्टँडला निघालो इथून गीता प्रेस वरून आणि तिथून आता आम्ही सनोलीला जायला बस किंवा काहीतरी आता बघू तिथे पोहोचल्यावर आम्हाला काय भेटते ते.